इस हद तक तुम नीचे गिर जाओगी। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था पल्लवी। अरे पर मैंने किया क्या है? ये पूछ रही हो कि क्या किया है? दिस पल्लवी, तुम अपनी जिद में इतनी बौखला गई हो? हाँ, और वो निक, वो बेचारा लड़ाई भी लड़ना चाहता है तो पूरी ऑनेस्टी के साथ, सिर्फ तुम्हारे लिए। I just told him not to trust you, but it's Nick. और तुम इतनी बेगैरत हो कि पूछ रही हो कि तुमने किया क्या है? पहले तो उस कमीने लॉयर को हायर किया और अब ये? Read this, पल्लवी, ये खबर सिर्फ मेरठ में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैल गई है। इंटरनेट की हर साइट पर ये खबर है। ओह, that's it? पल्लवी, तुम्हें इल्म भी है कि तुमने क्या किया है और तुम्हारी इस करतूत से क्या हो सकता है? God, पल्लवी, निक जे के नाम के जितने भी रेस्टोरेंट्स, जितने भी कैफेज हैं, सारे के सारे बंद हो जाएंगे। और उन कैफेज और रेस्टोरेंट्स में काम करने वाले हजारों लोग जॉबलेस हो जाएंगे। इसका मतलब जानती हो? हाँ, जिस इंसान ने दुनिया भर में एम्प्लॉयमेंट दी है लोगों को, आज उसी के साथ कोई काम नहीं करेगा, उसे कोई काम नहीं देगा। पल्लवी, मिडिल क्लास स्मॉल सिटी कैफे ओनर नहीं है निक जे, ही इज अ ब्लडी इंटरनेशनल स्टार। अरे इतनी मेहनत से निक ने इस ब्रांड को बनाया, इस ब्रांड को खड़ा किया, इतनी मेहनत की, लेकिन तुमने सब बर्बाद कर दिया, यहाँ तक कि निक को भी। ये सब हुआ कैसे और क्यों? सबको लग रहा है कि मैंने निक के खिलाफ ये करवाया है, मेरी वजह से इसे कैसे रोके? मैं ये सब मुझे नहीं पता। यू मेड इट सो कन्वीनियंट फॉर योरसेल्फ। आज का दिन चुना तुमने ये सब करने के लिए क्योंकि तुम जानती थी कि मीडिया आने वाला है, सो इट वाज सो कन्वीनियंट फॉर यू, सो क्लेवर, है ना? मीडिया आएगा, पूरी दुनिया के सामने निक की धज्जियां उड़ेंगी और तुम्हारी वाहवाही होगी। दैट्स ऑल यू वांटेड पल्लवी, दैट्स ऑल। और क्या चाहती हो? क्या चाहती हो कि निक, मैं, मन्ना, हर्ष, हम सब सड़क पे आ जाए? नंदिता, ये सब मैंने नहीं किया है, मैं नहीं जानती। सच, प्लीज शट अप, जस्ट शट अप एंड मुझे अपनी बकवास नहीं देना, बिकॉज आई नो ये सब तुम्हारा किया धरा है। यू आर बिहाइंड ऑल दिस, आई जस्ट नो इट वेरी वेल। मैं सच में नहीं जानती, मेरा विश्वास करो। मैं चट्टा को फोन किया तुमने? यस सर। गुड सर, रुक लीजिए एक मिनट। मुझे एक बात समझ में नहीं आई, आप अपना इतना कीमती समय निकाल के निक को सिर्फ ये बताने आए कि आप उसकी तरफ से नहीं हमारी तरफ से केस लड़ रहे हैं। ए रणवीर जी, किन चक्करों में पड़ रहे हो आप? छोड़ो ना ये सब, ये हमें अपना काम करना है और निकलना है बस। रस्तोगी जी, ये सब आपने किया है ना, ये कैसे कर सकते हैं आप? निखिल के बारे में जो कुछ भी मैंने कहा, आपने कुछ का कुछ बना दिया। क्यों कुछ का कुछ? ये देखो, मैंने मना किया था ना आपको, कोई गलत सलत तरीके से काम नहीं होगा, कोई झूठे इल्जाम नहीं लगाएंगे आप, केस सही तरीके से लड़ा जाएगा। मैंने कहा था ना आपसे, आपने मेरी कही बातों का गलत इस्तेमाल किया, निखिल को बदनाम कर दिया हर जगह। क्या कर दिया आपने? क्या कह रही हैं आप? ये सब मेरी तरफ से नहीं हुआ है। तो फिर किसने किया? ये आपने नहीं किया तो मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। इस केस के लिए मुझे आपकी कोई जरूरत नहीं, आप जाइए यहाँ से। ठीक है, अगर आप कहती हैं तो मैं चला जाता हूँ, लेकिन एक बात क्लियर कर देता हूँ, पत्रकार का नाम देखो कौन है ये। सर, प्रदीप सिंह फ्रॉम फास्ट न्यूज। फोन लगाओ सर, पर स्पीकर पे लो। प्रदीप। हाँ हाँ, बोलिए सर। ये जो निखिल जयसिंह का तुमने आर्टिकल लिखा है, इसका कंटेंट क्या तुम्हें मुझसे मिला था? आप निक जे जो इंटरनेशनल स्टार है, एक पत्रकार होने के नाते खबर के लिए मैं तो कब से उन पर नजर रखे हुए था, उनके स्टाफ, एक स्टाफ सबसे बात करके खबर जुटा रहा था, पर आप ही क्यों पूछ रहे हैं? चलिए बस ऐसे ही, फिर बात होती है। ओके, थैंक्स। जी सर। बस सुन लिया आपने, हो गई तसल्ली। पल्लवी जी, रस्तोगी को केस जीतने के लिए चीप हरकतें करने की जरूरत नहीं है, उसका दिमाग ही काफी है। लेट्स गो। फॉर
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.